आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 1 out of 10 पीपल एडमिट टू लिकिंग देयर बोल्स क्लीन आफ्टर हैविंग आइसक्रीम, यानी कि हर 10 में से एक बंदा ये मानता है कि वो आइसक्रीम खाने के बाद अपने बोल को ज़रूर चाटता है. वेल, मैं भी उनमें से एक हूँ एंड आई शेमलेसली एडमिट टू इट. लेकिन क्या करें, आइसक्रीम चीज़ ही ऐसी है, इट्स द परफेक्ट डेजर्ट फॉर एवरीवन, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, एवरीवन एंजॉयज इट. एंड कोई भी सीज़न हो, चाहे गर्मियों का सीज़न हो, सर्दियों का सीज़न हो, आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जो पूरे साल सब बहुत इंजॉय करते हैं. सो इसने हमें भी कंपेल कर दिया कि हम भी एक आइसक्रीम का शूट कर ही लें और आपको एक्चुअली दिखाएं कि आइसक्रीम बनती कैसे है. सो वेल, आज हम आए हैं हिमालय आइसक्रीम फैक्ट्री में, जो यहाँ लाजपत नगर मूलचंद में लोकेटेड है. एंड यहाँ पे हम आज ये देखेंगे कि आइसक्रीम्स का प्रोडक्शन एक्चुअली होता कैसे है ऑन अ स्मॉल स्केल. सो वेल, अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ इस जगह के बारे में. ये जगह 40 ईयर्स पहले इस्टेब्लिश हुई थी यहीं पे मूलचंद लाजपत नगर में. एंड यहाँ पे 5 मशीन्स हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 to 600 लीटर्स आइसक्रीम प्रोड्यूस करती हैं. इज़न्ट इट एक्साइटिंग? और अगर हम फ्लेवर्स की बात करें तो इनके पास नॉर्मल रेगुलर सारे फ्लेवर्स हैं जो कि आपको हर एक आइसक्रीम ब्रांड में मिलते हैं. सो एंड उसके साथ इनके पास कुछ हैंडमेड फ्लेवर्स भी हैं, जैसे कुल्फीज़ जो बहुत फेमस हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो एंड सी कि आइसक्रीम्स एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होती हैं. गाइस, हम हैं हिमालय आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर और चलिए हम बात करते हैं यहाँ की ओनर मिस राधिका जैन से. हेलो मैम. हाय. सो आप कुछ बताइए कंपनी के बारे में. कंपनी स्टार्टेड इन 1965 बाय माय फादर एंड इट ओपन्ड हियर ओनली लाजपत नगर पुरानी मार्केट. एंड तब से इट्स बीन लाइक ओवर 40 इयर्स एंड वी हैव बीन रनिंग दिस. He's been running this and I have basically decided to join him in the business. We're revamping the entire setup and the entire brand, and we're coming up with new flavors, with new types of ice creams and, you know, new experimental concoctions of ice creams. And abhi to filhal yehi hai plan in the coming year. We've revamped the entire thing. We've introduced, installed an automated plant. The plan is to increase the sales. So that's how we're going to be aiming Delhi as of now, and then probably moving out of Delhi too. Baki flavors, in terms of flavors, to sab kuch hi hai. The regular flavors jo chalte hai market mein, chop bar, chop nut, strawberry, vanilla, butterscotch, ye sab to hai hi hai. And bas from next year onwards we'll be introducing new kinds of flavors like berries, and jo bhi market ki demand ke hisab se we'll keep changing. That's the plan. So what according to you is the best flavor? Yahan pe Himalaya is actually known for its kulfi. Okay, and yeah, everybody knows Himalaya because of the kulfi only. Guys, ye hai inka best flavor, kulfi. So let's try it. And isme hum thoda sa केसर भी डालते हैं एंड बाकी यू सी नट्स एंड ऑल यू टे हैव अ टेस्ट ऑफ नट्स आल्सो पिस्ताशियो एंड कैशू नट्स सब डलता है इसमें. मिक्सचर में भी डालते हो या सिर्फ टॉपिंग के लिए? मिक्सचर में भी डलता है एंड देन लास्ट में अंदर की साइड इस साइड पे टॉपिंग. हाँ, टॉपिंग एक्स्ट्रा भी लगता है. बहुत अच्छा टेक्सचर है, मतलब बहुत क्रीमी है एंड फ्लेवर बहुत अच्छा है. आई रियली लाइक इट. पाश्चराइज्ड मिल्क को होमोजेनाइजर में डालते हैं. होमोजेनाइजर एक ऐसी मशीन या इक्विपमेंट होता है जो हमारे प्रोडक्ट को एक यूनिफॉर्म या इवन सा टेक्सचर, कलर और फ्लेवर देता है, जिससे हमारी आइसक्रीम स्मूथ और क्रीमी बनती है. इसी टाइम हम कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जैसे एसेंस भी होमोजेनाइजर में डालते हैं ताकि वो भी अच्छे से आइसक्रीम में मिक्स हो जाए. उसके बाद आइसक्रीम को फ्रीज़र में डाला जाता है फ्रीज होने के लिए. यहाँ पर हम फ्रीजिंग के लिए बैच कंटिन्यूस फ्रीज़र की हेल्प यूज़ करते हैं. इस फ्रीज़र के दो काम होते हैं, एक तो ये कि वो आइसक्रीम मिक्स को अच्छे से फ्रीज करता है और दूसरा वो उसमें एयर को इनकॉर्पोरेट करता है. एयर का एडिशन जब आइसक्रीम में होता है तो वो लाइट और फ्लफी और डेंस हो जाती है. इस एडिशन ऑफ एयर के प्रोसेस को हम ओवररन बोलते हैं. और लास्ट में जो आइसक्रीम फ्रीजर से निकलती है वो बैक बॉक्सेस में पैक कर दी जाती है और हम उसको कोल्ड स्टोरेज रूम में स्टोर कर देते हैं -25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में,
जब तक कि उसको ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट ना करना। If you really like the content, please hit the like button, share with your friends and family. And guys, please comment in the comment section below. For more sweet and spicy content, subscribe to Chakhna Chakhaana on YouTube. Baki, Chakhna Chakhaana toh chalta hi rahega.